मध्य प्रदेश के सागर जिले के सागढ़ थाना अंतर्गत आने वाले अबार टेगड्डा पर अज्ञात कारणों के चलते अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। जी हां, सही सुना, अबार टेगड्डा पर गोली चलने से मौके पर हड़कंप मच गया और लोग दहशत में नजर आए। SR इंटरप्राइजेस समस्त कंपनियों के CCTV कैमरों के थोक एवं फुटकर विक्रेता अपनी दुकान मकान होटल और संस्था में ब्रांडेड कंपनी के कैमरा सस्ते दामों पर लगवाएं, वो भी कमर्शियल साइट के अनुभव के साथ, तो अभी संपर्क करें। जानकारी कहती है कि सागढ़ थाना अंतर्गत अबार टेगड्डा के पास अज्ञात लोगों ने अज्ञात कारणों के चलते गोली चला दी। गोली टैक्सी चालक नारायणपुरा निवासी अमर सिंह यादव के पैर को लगी। गनीमत रही कि गोली टैक्सी चालक के पैर को छूते हुए निकल गई। बताया जा रहा है कि 24 वर्षीय युवक अमर सिंह यादव अपने साथी 22 वर्षीय अखिलेश यादव के साथ टैक्सी से बराठा से सहायगढ़ आ रहे थे कि रास्ते में अबार टेगड्डा के पास लोगों की भीड़ लगी, देख रुक गए। लोगों के आपसी विवाद में बातों बातों में किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली चला दी। गोली जाकर टैक्सी चालक अमर सिंह यादव के पैर को जा लगी। गनीमत रही कि गोली टैक्सी चालक के पैर को छूकर निकल गई। घायल अमर सिंह यादव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहगढ़ में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मोटरसाइकिल क्या हो गया था, पूरी घटना बताओ। चलो मार टैक्सी लेकर चले आ रहे थे, दो जने थे, दो जने खड़े थे मोटरसाइकिल से, हम लोग खड़े भाई थे, भीड़ क्यों जुड़ी थे, हम लोग खड़े थे, जो टैक्सी को भागे, जो कच्ची मारो गोली मारी, हमारे पैर में नावे तो फट गई, अब सुन हम देखो कि हम लग गए, हम चले आने तो बेकच्ची मार भाग गए, अब आशा है कच्ची ना है। आप टैक्सी चला रहे थे? हां, कितनी सवारी थी? सवारी कोई नहीं थी, दो जने थे, खाली आ रहे थे। कहां जा रहे थे? खाली आ रहे थे, तो इशारा आ रहा है। किस जगह की घटना है? जे आवाज माता गेट के थोड़े आ रहा है। क्या नाम आपका? पूरा नाम क्या है आपका? पूरा अमर सिंह यादव नानपुरा। कहां के रहने वाले हो आप? नानपुरा। आज लगभग 7 बजे अमर सिंह यादव जो कि नारायणपुरा निवासी हैं, वो उनको खुद के वाहन से लाया गया था, जिसमें इनको फायर आर्म इंजरी है और छर्रे के निशान है बाएं और दाएं पैर में, और उनकी कंडीशन स्टेबल है, उनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। चेलसी शाहगढ़ से कुछ बताया उन्हें कहाँ से क्या हुआ? उन्हें बताया कि वो गाड़ी चला रहे थे, उस समय किसी ने आकर के बंदूक से उन्हें फायर किया। क्या कहाँ का बताया घटना स्थल? घटना स्थल उन्हें ये नहीं बताया, घटना स्थल रेफर कर दिया गया उनको। हाँ, उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने घायल टैक्सी चालक के बयानों के आधार पर अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साहगढ़ से तालिब खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ AC लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।